हेलो पीपल, दिस इज मी अगेन वशान सिंह और आप देख रहे हैं मुझे वशान सिंह ब्लॉग चैनल पर। और आज का मेरा रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं बोलूंगा, मुझे देखना है। आप लोग ने भी देखा होगा या नहीं पता नहीं, बिकॉज अभी बहुत फॉर्म में चल रहा है और उस फॉर्म में शायद मैं भी इंक्लूड हो चुका हूँ। मेरा भी अकाउंट है, इसको बोलते हैं टिकटॉक, इट्स एंड्रॉयड ऐप। होप आप लोग को पता है टिकटॉक के बारे में। तो टिकटॉक ऐप जो है जिसमें आप मिमिक्री कर सकते हैं, खुद का भी बना सकते हैं और प्लस आप किसी का जो डायलॉग है वो आप अपने लिप सिंक करके बोल सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो लोगों को। और इसका पहले नाम था म्यूजिकली ऐप, जो चेंज होकर टिकटॉक में आ गया है। और पता है इसकी एक स्टोरी बता दो कि बहुत पहले ये जब नया नया था म्यूजिकली ऐप, म्यूजिकली इंडिया, तो उस समय मैंने डाउनलोड किया था एंड वॉज वेरी बोरिंग क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया, फिर बाद में सबको देखने लगा, बहुत लोग यूज करते हैं। मैं बोला यार बेकार कार्टून जैसी हरकतें करते हैं, बट जब व्हेन आई पर्सनली मैंने खुद का अकाउंट वापस से शुरू किया, मैं उसमें बनाया था, उसके बाद मैं इतना एडिक्ट हो गया कि इट्स रियली ऑसम, बहुत अच्छा लगता है, इट्स फन। और आप एंटरटेन लोगों को भी करते हैं, खुद भी एंटरटेन हो जाते हो, आपको फैमिली को भी एंटरटेन कर लेते हो, तो आप मजा आ जाता है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू। तो मैं अभी उनमें ही वैसे ही रिएक्शन देख रहा था तो मुझे पता चला कि म्यूजिकली ऐप हर जगह है और हर जगह का अपना अपना है। जैसे ये म्यूजिकली इंडिया है, टिकटॉक इंडिया है, तो टिकटॉक नेपाल का वीडियो भी है, तो मैं टिकटॉक नेपाल वीडियो को देखना चाहूंगा और मैं आप लोग को भी दिखाना चाहूंगा। और इसके बाद ये वाला अगर आप लोग को पसंद आता है, इसके बाद मेरे भी कुछ है, वो मैं बाद नेक्स्ट वीडियो में मतलब करेंगे। और मेरे फ्रेंड्स भी है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं एट वशान सिंह, उसमें तो हम लोग ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को और हम लोग बनाते हैं वीडियो। तो आप लोग भी अगर हो सके तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए उधर, वशान सिंह करके है, तो आप उस स्क्रीन में मैं फ्रंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसा रहता ही नीचे, तो आप देख लीजिए। तो बस आप लोग यू नो गाइज एंजॉय कीजिए। और मुझे ना टिकटॉक सीरियसली मेरे पर्सनल व्यू से मेरे को बहुत मजा आता, तो इसलिए मेरे को अब लगा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ मिलके नेपाली फनी वीडियोज जो कि टिकटॉक में यूज हो रहा है तो वो देखें। टिकटॉक म्यूजिकली इट्स एन ऐप तो नेपाल का है, तो वी विल वॉच, ठीक है, दैट्स ऑल। अब देखते हैं वो रिएक्शंस, उनके रिएक्शंस देखते कैसे हैं, है ना। हजारको छुट्टा छ होला सर। अनि हजार हजारको छैन होला सर। अनि कहाँबाट तिर्ने बिल सर? इस तरीके की एक्टिंग जो होती है ना, मजा आता है इनमें, तब एंटरटेन लगता है। सीरियसली बोल रहा हूँ, अब म पनि रुदै घर जान्छु, गाली पनि खान्छु, मम्मीलाई भन्छु मम्मी इको नि लाग्यो, अकाउन्ट नि लाग्यो, अरू त अरू थियो, इङ्ग्लिस नि लाग्यो। अब मम्मीको आरती पनि सुरु भयो, मन्त्र पनि सुरु भयो, पूजा पनि सुरु। गाइज अहिले चाहिँ मेरो भ्यू बढिराखेको छ, अघि फोर भएको यहाँ अझैसम्म छ, मैले सफा गरेकै छुइनँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ मेरो लाइभ बढिराखेको छ फेसबुकमा, कतिजनाले मलाई फेसबुकमा कस्तो माया गर्नुहुन्छ नि त, थ्याङ्क यू। भनेसी आफ्नै गाममा नि चिनेनन् मलाई। आच्छा ए कस्तो फेरिएको यो टुल्की पो रहेछ। म यति फेरिएर आएँ, तिम्रो थुतुनु अझै फेरियो छैन। के भएर के भन्यो भर्खरी? मेरो नाम छ तिमीले अघि खाना मिठो बनाउन अर्को बुढी ल्याऊ भने होइन। मेरो नाम घर बेच, जग्गा बेच, जीव बेच, जेसुकै बेच, 30 लाख त मलाई चाहियो। ग्याङ चाहिएको छ बुझिस, सिक्ने लाउरे चाउरे चाहिएको छैन, खुकुरी ग्याङ चाहिएको छ, आइज केटा खुकुरी लिएर पारस दाईको हेल्प लिउँ, सब नेपालीहरू 3 करोड जनालाई नै यहाँ बोलाम। लास्टमा एक लाइन लेखे, केराको बोक्रामा चिप्लेर तिम्रो मनभित्र पस्ने मन छ मलाई। लाइन त दिनु पऱ्यो नि त, नेपाली मास्टरको छोरो हो होइन। केटीपट्टी रमाइलो भयो, हात साथ पक्रिँदै हिँड्ने दुनियाँ दियो। जापानको गोरो गोरो मायाहरू हेर्ने आँखाले हामी जाप बन पाखाको मान्छेलाई के राम्रो देख्थ्यो। बन पाखाको वन कुखुराको झोलमा ढेँडो च्वाप चोपेर क्वाप खाँदा कति मिठो हुन्छ। उजितेर गई यहाँ रे।
थोड़ा सा लोग इसका सम्राज्ञ आदेश आगे लग रहा है ना। भनेसी आफ्नै काम मानि चिनेनन् मलाई। आच्या ए कस्तो फेरिएको यो टुल्की पो रहेछ। म यति फेरिएर आए तिम्रो थुतुनु अझै फेरियो छैन के भएर के भन्नु भयो खरि तिमी केटाहरू भनेको लाइक क्यान्डल्स एन्ड गर्ल्स आर लाइक फायर। जब क्यान्डलमा एकचोटि आगो लाग्छ नि क्यान्डल क्यान्डल रहँदैन एन्ड आई नो हाउ टु ह्यान्डल अ क्यान्डल। जानु अब तिमीहरू मम्मी लिएर रोमान्स गर्नुपर्छ बुझ्यौ। तिम्रो फेसमा किन 12 बजिरहेको तिम्रो पनि फेसमा 13 बज्छ अहिले। ल मेरो फेसमा कहिले पनि 13 बज्दैन। कोही मान्छेले होइन बाहुनको होइन तिनवटा कोटा छ होइन देवकोटा बाँसकोटा होइन अनि त्यसपछि अर्को के सापकोटा भन्यो भने होइन तिमीहरूलाई पनि कोटा छैन ल तिमीहरूलाई पनि तिनवटा कोटा ल दुईवटा चाहिँ नाकको पाल कोटा अर्को चाहिँ यता कोटा भनिदिनु पर्छ। खोर्सानी खाने हो थप्पड खाने हो माइले त त्यो पनि खाइदिन्छु ल। के भयो अस्ति बनाएको मेरो गर्लफ्रेन्ड छ नि त्यसले बिहा गर भनेर हैरान बनाइसक्यो म के गर्ने भन्छ अब बिहा गरेर बस्छु त भइगयो नि के भन्छ बाउ तिमी पनि यार आफू भने लाइफमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पोस्टमा गोल हान्ने भनेर बसिरहेको बेला तिमी भने एउटै पोस्टमा गोल हान्नु म क्यालेन्डर हो तँलाई मेरो बर्थडेको डेट थाहा छ मेरो बाउको बर्थडेको डेट थाहा छ मेरो आमाको बर्थडेको डेट थाहा छ केही थाहा छैन तँलाई आफू सम्बन्धी डेट सबै थाहा हुन्छ हाम्रो सम्बन्धी केही थाहा हुँदैन तँलाई एकल काटी अरू पनि भनौँ। एकचोटि चाहिँ म्यामले क्लासमा पढिरहनु भएको थियो अरे अनि एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ नेचरलाई नेटोरे भनिँदो रहेछ अरे अनि मिसलाई रिस उठेर प्रिन्सिपलकोमा लानुभएछ अरे सर हेर्नु न यसले त नेचरलाई खालि नेटोरे भन्छ भनेछ अनि प्रिन्सिपलले चाहिँ हे म्याम छोडिदिनु न बच्चाहरूको फुटुरी किन खराब गर्नुहुन्छ भने सर। कस्तो चल्दैछ तिम्रो नयाँ जिन्दगी? एकदमै रमाइलो छ। अनि तिम्रो? म पनि रमाइलो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। माला म तिमीलाई बिहेको इन्भिटेसन कार्ड दिन आएको। हे मुन्स व्हाट्स अप खोर्सानी खाने हो थप्पड खाने हो मैले त त्यो पनि खाइदिन्छु ल। तेरो बाउको नम्बर तेरो बाउलाई फोन गरेर तेरो विरोधी मान्छु म। मेरो बाबालाई कल गरिस्यो भने त मलाई हजुरले जिन्दगीभर पाल्नु पर्छ छोरी त किड्न्यापरसँग पहिला गई भनेर अनि मेरो ज्वाइँ किड्न्यापर हो। Hey Moons, what's up? खोर्सानी खाने हो थप्पड खाने हो मैले त त्यो पनि खाइदिन्छु ल। हेर तिमी जस्तो यङ ह्यान्डसम केटाले यसरी बिहे नगरेर मन मारेर हुन्छ? हामी जस्तो राम्री केटीहरू बुढी कन्या नै बस्नु गएर समाते भइहाल्यो नि त त्यही एउटालाई म जस्तो ह्यान्डसम केटा कति पाइन्छन् कति। हेलो क्लासमा छु के कसम से बोल रहा हूँ बहुत सही है टिकटॉक आप उसमें एंटरटेन देख रहे होंगे ना आपने। मोस्टली मुझे देखो कोई लैंग्वेज में रेयर केसेस बताता हूँ जिसमें मुझे समझ में नहीं आई लेकिन जो एक्सप्रेशंस होते हैं जो बिहेवियर है तो वो अभी जो वो लड़की थी हाँ ये वाला सीन में जो कर रही है वो ज्यादा मजेदार था। और म्यूजिकली दैट मीन्स टिकटॉक इट्स फॉर दैट पर्पस ओनली एंटरटेन। आप जब देखो तो मजे से आप एंटरटेन हो हंसो कोई इमोशनल वाले वीडियोस है कुछ ज्यादा इमोशनलिटी इमोशनल सीन दिखाने वाला भी है वो भी बहुत अच्छा है वो सब आपका। कभी कभी कोई लोग तो बहुत फीलिंग्स शेयर करते हैं वहाँ पे कोई अपने पर्सनल व्यू को उधर पे शेयर कर सकते हैं आप बहुत अच्छा है। आप फॉलो कर लीजिए मुझे मैं भी फॉलो बैक करता हूँ वैसे उधर पे और बताइए कि आप पर मुझे उसमें मैसेज भी कर दीजिए कि आपने फॉलो किस बेस पे किया आपने मेरे को यूट्यूब के थ्रू देख के आप फॉलो कर रहे हैं या क्या है। एनी वे शिवाय अभी मत बोलो तो आएंगे तो सॉरी गाइस ये बीच में इंटरप्ट करने के लिए इस भांजे के कारण बट आई एंजॉयड होप यू ऑल गाइस एंजॉयड। और मेरे को कुछ और भी बेस्ट मिमिक्रीज होगी या कुछ लिप्स वाला टिकटॉक वीडियोस होगा जो
अच्छा चल रहा है और अच्छा पता लग रहा है कि उसमें क्या है. सेलिब्रिटी का स्पेशली मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था पर मिला नहीं, तो विल गोइंग टू वॉच दैट ऑल्सो. बट अभी तो मैंने जो देखना था मैंने देख लिया एंड आई एंजॉयड इट, सीरियसली एंजॉयड इट. और मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरा भी है टिकटॉक में, तो आप लोग मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए ना. फॉलो बैक भी होता है भाई, मैं फॉलो बैक भी करूँगा उधर पे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इफ यू गाइज नो ईच अदर. अच्छा हो रहा है तो सो ऑब्वियस यार हम लोग कोलैब करके बनाएंगे वीडियोज है ना, विल शेयर इट है ना. आप सबको वेलकम है और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शो राइट नाउ. और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद. और हम फिर आते रहेंगे सिर्फ मजेदार वीडियो देखते हुए और देखेंगे. That's all. Bye. Take care. Jai Mata Di. Jai Akal. Sabhi ko namaskar.